इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट, ये तीनों में सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस होता है। इत्र एंशियंट समय से इंडिया में यूज हो रहा है और इसकी खास बात ये है कि ये ऑर्गेनिक है, मतलब कि ये फूल और पत्तियों के ऑयल से बनता है। इसकी खुशबू भी काफी नेचुरल होती है और इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इत्र को ज्यादातर स्किन पे लगाया जाता है क्योंकि बॉडी की गर्मी से इसकी खुशबू और फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिओड्रेंट को तो स्किन पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे हमारे स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं और पसीना बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से काफी समस्याएं हो सकती हैं। और तो और परफ्यूम में भी अल्कोहल और केमिकल्स होते हैं, इसीलिए उसे भी सिर्फ क्लोथ पे अप्लाई करना चाहिए क्योंकि अल्कोहल स्किन पर टिकता नहीं और केमिकल्स हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे काफी सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।